हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट फैक्ट्स में। तो दोस्तों, दुनिया में इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, लेकिन ये बात सबको पता है कि नेचर यानी कि प्रकृति के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। कुदरत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, और जब ये अपने पे आ जाती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा जाती है। दुनिया में कई बार नेचर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको हिला दिया। जी हाँ, याद कीजिए साल 2011 में वो सुनामी जो जापान में आई थी। फ्रेंड्स, सभी कहते हैं कि प्रकृति के आगे सभी फेल है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको नेचर की रियल ताकत दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कहानी एक ऐसी जगह की, जहाँ पर वॉल्केनो की वजह से हजारों की संख्या में लोगों ने रहना छोड़ दिया। इस जगह का नाम है मोंटसेराट, जो कि एक आइलैंड है वेस्ट इंडीज में। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि साल 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही हिल गई। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था, और ये इतने बड़े स्केल पे फटा था कि आसपास की जगह में रहने लायक माहौल ही नहीं बचा। यहाँ पर जब वॉल्केनो फटा था तो उसकी वजह से इतना डस्ट फैल गया कि किसी के लिए भी बचना आसान नहीं था। फिर भी कई लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। दोस्तों, एक साल बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसके बाद कुछ लोकल लोग यहाँ वापस रहने के लिए आए, लेकिन किसे पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। जैसे कुछ लोग वापस यहाँ रहने आए, वैसे ही एक बार फिर से वॉल्केनो फट गया और कई लोगों की जान भी चली गई। आपको बता दूं कि उसके बाद मोंटसेराट में रहने के लिए कोई भी नहीं गया। दोस्तों, दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियार का आतंक देखा है, लेकिन परमाणु प्लांट्स में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी ही एक घटना चार्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुई थी। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चार्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर प्लांट में हुई घटना की वजह से करीब 1,25,000 लोग मारे गए थे। इस हादसे का प्रभाव इतना हुआ था कि अभी तक चार्नोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले जानवर और परिंदे भी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पावर प्लांट में होने वाले एक नियमित परीक्षण को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए दो बड़े विस्फोटों ने रिएक्टिव के हजारों टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो कि उनकी मौत की वजह बना। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चार्नोबिल रेडिएशन की वजह से लगभग 1,25,000 लोगों की मौत हुई थी। हेलस्टॉर्म। दोस्तों, 8 फरवरी 2018 को कोयंतिस शहर में तेज बारिश के साथ बर्फ के ओले गिरने लगे। जब बारिश हो रही थी तो अचानक से शाम के 4:30 बजे बर्फ के ओले भी गिरने लगे। शुरुआत में तो ये बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे भी लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे न सिर्फ इनकी रफ्तार बढ़ी बल्कि इनका साइज भी बढ़ने लगा। जहाँ टेनिस बॉल के साइज से भी ज्यादा बड़े साइज के बर्फ के गोले यहाँ पर गिरने लगे। यहाँ के रहने वालों का ये कहना है कि ये ओले आसमान से काफी बड़े साइज में गिर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जमीन पर आते तो टूट कर छोटे हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक कि उन देशों को भी अपना शिकार बना रही है जहाँ पर ऐसा कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सऊदी अरेबिया के शहर मदीना को ही ले लीजिए, जहाँ पर ऐसे ओले गिरे मानो वहाँ पर हमेशा बारिश ही होती है। लेकिन सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया जैसे इलाकों में बारिश होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, एक प्राकृतिक घटना ऐसी भी है जिसने लगातार लोगों को हैरान किया है, और वो है जायंट क्रैक। जी हाँ, जब भी ज़मीन पर क्रैक्स बनने लगते हैं तब सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार क्रैक छोटे मोटे होते हैं लेकिन कई बार ये काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं। ऐसे में आप ये जो क्रैक्स देख रहे हैं ये इथोपिया के हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बिना अर्थक्वेक के हुआ है। लेकिन इथोपिया में हुआ ये क्रैक अपने समय का सबसे बड़ा क्रैक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से कई जगहों पर ऐसी घटनाएँ होती देखी जा रही है। जहाँ हाल ही की बात करें तो पेरू में करीब 10 मीटर चौड़ा और 15 किलोमीटर लंबा क्रैक देखने को मिला। यहाँ तक कि बोलीविया में भी इसी तरह के जायंट क्रैक ने लोगों के होश उड़ा दिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी क्रैक हर बार अर्थक्वेक की वजह से नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी का फटना अक्सर हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक की वजह से होता है। लेकिन बिना अर्थक्वेक के कुछ ऐसा होना वाकई में सोच में डालने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थे कुदरत के कहर के कुछ एग्जांपल। क्या आपका सामना कभी इनमें से किसी आपदा से हुआ है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।